दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आईबीएस के मरीजों को कौन सी 10 तरह की ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस 10 तरह की गलती करते हैं तो आपका आईबीएस या तो बहुत धीरे ठीक होगा या तो ठीक ही नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी को इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा देखना है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियोस ज़्यादातर आईबीएस से रिलेटेड ही होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो आईबीएस से लंबे समय से परेशान है उस तक हमारे इस वीडियो को आप पहुँचा दीजिए। आपका भाई बहन दोस्त कोई भी हो सकता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि उनकी मदद हो सके। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला गलती लोग करते हैं, जो कि योगा के साथ साथ करते हैं, योगा में एक अंग है कपालभाति, जो कि एक पार्ट है, अक्सर पेट रोगियों को ये दिया जाता है, लेकिन आईबीएस के मरीजों को कपालभाति नहीं करनी चाहिए। तो ये पहला हो गया। और दूसरा जो है वह है मास्टरपेशन, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। आईबीएस के जितने मरीज हैं उन सभी को मास्टरबेशन से दूर रहना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। अभी इस पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना सही नहीं है, तो आप सब लगभग समझ ही गए होंगे। तो ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती क्या करते हैं कि आईबीएस में लोग बहुत सारे मेडिसिंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आईबीएस के मरीजों को, खासकर आईबीएस के मरीजों को दवा से बहुत दूरी बनानी है। अगर आप दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दवा में आपको प्री एंड प्रोबायोटिक को साथ में लेना है। जिस दौरान आप एंटीबायोटिक मेडिसिन का एक्स्ट्रा डोज ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपको प्री एंड प्रोबायोटिक का भी डोज बढ़ा देना है, ताकि आपके डाइजेशन को एक्स्ट्रा नुकसान ना हो। तो पहली बात तो मैंने जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में अभी ये तीसरे नंबर पर ही बोला कि दवा का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर की तरफ, जो कि चौथे नंबर पे आता है। सबसे पहले इनमें लोग बहुत सारे खाली बैठते हैं और दिन भर बेड पे लेटे रहते हैं, ये एक तरीके से काम वाम करने से पीछा छुड़ाते हैं, और ये अपने कमरे में एक किनारा हिस्सा पकड़ लेते हैं बेड का और वो दिन भर अपना पूरा समय वहीं पे व्यतीत कर देते हैं। तो इन सारे मरीज ज़्यादातर क्या करते हैं, वेब सीरीज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सोशल मीडिया का एक तरीके से जितने OTT प्लेटफॉर्म हैं उस पर ये वेब सीरीज देखते हैं। तो आईबीएस के मरीजों को वेब सीरीज से भी बहुत दूर रहना है, क्योंकि इससे आपको उत्तेजना एक तरीके से महसूस होती है और इससे आपका डाइजेशन और आईबीएस के मरीजों को नुकसान होता है। इस पर और डिटेल में नहीं जाना चाहते। अगला नंबर है पोर्न, जो कि वेबसाइट पे अक्सर जो भी लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी है जो कि ये पोर्न वीडियोस वगैरह लोग देखते हैं, जो कि इससे लोगों को, खासकर जो आईबीएस के मरीज हैं उन सभी को इस पे ध्यान देना चाहिए। और इस तरीके से जिससे एक तरीके से मास्टरबेशन जैसा कोई भी जो फीलिंग आता है या फिर शरीर से एक तरीके से जो वीर्य वगैरह निकलता है, जिससे आप सभी को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है, क्योंकि आपका डाइजेशन सही ना होने की वजह से आपके अंदर पोषण तत्वों का एब्जॉर्बेशन या फिर पोषण तत्व जो बनते हैं बहुत मुश्किल से बनता है। तो उस चीज़ के लिए आप सभी को ध्यान देना है कि आप सभी को पोर्न वीडियोस, मास्टरबेशन, वेब सीरीज वगैरह से दूर रहना है। अगला नंबर आता है छठवें नंबर पे, हम चलिए चलते हैं। छठवां नंबर है रनिंग। आईबीएस में लोग पूछते हैं क्या सर हम रनिंग कर सकते हैं, तो आईबीएस के किसी भी मरीज को रनिंग नहीं करना है। इससे आपके मसल्स और ऊपर या फिर नीचे जा सकते हैं और नॉवल डिस्प्लेसमेंट और नले की समस्या आप सभी को हो सकती है। अगला जो नंबर है वो है सातवां नंबर। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप सभी को सोशल मीडिया का गलत प्रयोग नहीं करना है, जो कि चैटिंग के थ्रू भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फेसबुक पे अक्सर ये देखा जाता है, जो कि इंग्लिश में इसका एक नाम होता है जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। इसमें लोग क्या करते हैं, चैट के जरिए एक उत्तेजना बनाते हैं, इसमें मेल और फीमेल होते हैं और एक चैट के जरिए उत्तेजना बनाते हैं और इंजॉय करते हैं, जो कि आईबीएस के मरीजों को ये नहीं करना चाहिए। इससे भी उनके अंदर से वीर्य का एक तरीके से निकलना होता है, जिससे उनकी एक्स्ट्रा समस्या बढ़ सकती है, जैसे चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना या फिर किसी काम में मन न लगना, उलझन, घबराहट होना, तो इस तरीके की भी समस्याएं सामने निकल कर आ सकती हैं। आठवें नंबर की ओर चलते हैं। आठवें नंबर पे हैं गेहूं की रोटी। गेहूं की रोटनी निकाली इसमें लोगों को नहीं खाना चाहिए। गेहूं की रोटी खाएंगे तो कब्जियत एक्स्ट्रा बनाएगा, खासकर जो कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज हैं, आईबीएस
सी वाले आईबीएस कब्ज वाले, उनके अंदर इस समस्या का ज़्यादा समस्या देखने को मिलता है कि वो गेहूं की रोटी खाते हैं तो उनको दो दो तीन तीन दिन तक मोशन नहीं आता। या तो आप इसमें ज्वार की रोटी या ज्वार का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इसमें गेहूं के आटे में आप ज्वार के भी आटे को मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी समस्या में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। तो ये आठवां नंबर था। चलिए आइए अपने अगले नंबर नवे नंबर की ओर चलते हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें तेल मिर्च मसाले वाले चीज़ों का इस्तेमाल ना के बराबर करना है। अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो आते हैं वो अभी इस वक्त काफ़ी सेंसिटिव हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं, और इस वक्त करते हैं तो आपको आईबीडी जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आप सभी को तेल मसाले वाली चीज़ें, तेल मसाले मिर्च जितने हैं जो आपको प्रॉब्लम करती हैं, उन सारी चीज़ों से दूर रहना है। तो आपको ये चीज़ें बंद करनी होगी। तो चलिए आइए अपने दसवें नंबर की ओर चलते हैं। दसवें नंबर पे है कि तीन तरह की ये सब्जियां आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। वो कौन कौन सी हैं तीन तरह की सब्जी, चलिए आइए देख लेते हैं। पहले नंबर पे है भिंडी, और दूसरे नंबर पे है बैंगन, और तीसरे नंबर पे है फूल गोभी और पत्ता गोभी। तो इन तीन तरह के सब्जियों का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। और ग्यारहवें नंबर में हम एक चीज़ और जोड़ देते हैं, जो आईबीएस के मरीज हैं उन सभी को फल जो है, फल में जो कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज हैं उनको केले का इस्तेमाल नहीं करना है, और जो लूज मोशन वाले व्यक्ति हैं उन्हें केले का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और आईबीएस सी और डी दोनों तरह के मरीजों को खट्टे फल या खट्टी चीज़ें कोई भी इस्तेमाल नहीं करनी है। आप इसको बारहवें नंबर बना सकते हैं। तो बारहवें नंबर पे मैं इसको जोड़ देता हूँ कि खट्टी चीज़ें चाहे जो भी हो, चाहे आपका खाना खट्टा हो, अचार हो, फुल्की हो, या फिर जो नींबू पानी हो, क्योंकि नींबू पानी आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए नुकसानदायक होता है, ये कब्ज बनाता है तो उनके लिए ये नुकसानदायक है। एप्पल विनेगर आता है वो नुकसान करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, जो कि एप्पल विनेगर जो है नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन वालों को काफ़ी फ़ायदा करता है, लेकिन आईबीएस के मरीजों को ये काफ़ी नुकसान करता है। तो इस तरह की सारी चीज़ों से को आपको अवॉइड करना है। उसके बाद हमारा साथ ही साथ ट्रीटमेंट लगातार अगर आप ले लेंगे तो दो चार महीने के अंदर ही आपकी समस्या का जड़ से समाधान हो जाएगा, और आप पूरा स्वस्थ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, वो भी बहुत ही कम पैसे में, जो कि इतना कम फीस किसी भी शख्स का नहीं है। आप चाहे पूरे YouTube पर देख लीजिए या फिर किसी हेल्थ एक्सपर्ट से आप बात कर लीजिए वहाँ पर, तो आपको घर बैठे ही आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुँचाइए, वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप और अगला वीडियो किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं वो चीज़ आप हमारे हमको कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।